जब अपनों पर बात आती है तब अपन की हट जाती है। तो दोस्तों, विजय सर की फिल्म लियो ने रिलीज होते ही पहले दिन तो ताबड़तोड़ कमाई की थी, लेकिन अच्छे रिव्यूज और बढ़िया फिल्म होने की वजह से फिल्म ने 3 दिनों में ही ऐतिहासिक कमाई करके अपना बजट रिकवर कर लिया और ये फिल्म सिर्फ 3 दिनों के अंदर ही बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ रवि तेजा की फिल्म टाइगर नागेश्वर राव ने भी 2 दिनों में कर ली है शानदार कमाई। तो टाइगर श्रॉफ की फिल्म गणपत का भी जो 2 दिनों का कलेक्शन है वो एक तरह से डिसेंट है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर अक्षय कुमार की फिल्म मिशन रानीगंज को तीसरा हफ्ता शुरू हो चुका है, यह फिल्म तीसरे हफ्ते में भी थोड़ी कमाई करती जा रही है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लियो, टाइगर नागेश्वर राव, गणपत और मिशन रानीगंज के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में और जानेंगे इन सभी फिल्मों ने दुनिया भर से अब तक कितने कितने करोड़ की कमाई की। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि इन सभी फिल्मों में आपके पसंद की फिल्म कौन सी है। सबसे पहले अगर बात करें बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार की फिल्म मिशन रानीगंज के बारे में, तो दोस्तों अक्षय कुमार की मिशन रानीगंज जो कि एक शानदार फिल्म थी, लेकिन कहीं ना कहीं जितनी बढ़िया ये फिल्म थी उतना अच्छा कलेक्शन ये फिल्म नहीं कर पाई थी। पर दोस्तों, अच्छी बात यहां पे ये है कि मिशन रानीगंज को अब शुरू हो चुका है तीसरा हफ्ता, लेकिन फिल्म तीसरे हफ्ते में भी ऑडियंस को सिनेमा घर तक लाने में कामयाब नजर आ रही है। जी हां दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि यहां पर अक्षय कुमार की फिल्म मिशन रानीगंज को आज हो चुके हैं बॉक्स ऑफिस पर 16 दिन। अगर बात करें फिल्म के अब तक के टोटल कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों मिशन रानीगंज ने अपने शुरुआती 7 दिन यानी कि पहले हफ्ते के अंदर 19,64,00,000 रुपए का इंडिया नेट कलेक्शन किया था। वही दूसरे हफ्ते में फिल्म का इंडिया से नेट कलेक्शन 11,75,00,000 रुपए रहा। फिल्म ने जैसे ही तीसरे हफ्ते में एंट्री ली, फिल्म के पास जो स्क्रीन से वो काफी कम बचे, क्योंकि आप सब जानते हैं कि इस हफ्ते से बॉलीवुड की साउथ की ढेर सारी फिल्में रिलीज हो गई। लेकिन फिर भी मिशन रानीगंज ने अपने तीसरे शुक्रवार इंडिया नेट कलेक्शन 55,00,000 का किया, तो वही ये फिल्म आज यानी कि अपने तीसरे शनिवार इंडिया नेट कलेक्शन 60,00,000 रुपए का कर रही है। और इसी के साथ बॉलीवुड खिलाड़ी अक्षय कुमार की फिल्म मिशन रानीगंज का अब तक का इंडिया नेट कलेक्शन हो चुका है 32,54,00,000 रुपए, तो इंडिया ग्रोस कलेक्शन 38,72,00,000 रुपए। बताना चाहूंगा दोस्तों, फिल्म ने ओवरसीज मार्केट यानी कि विदेशों से 6,23,00,000 रुपए की कमाई की है। और इसी के साथ अक्षय कुमार के मिशन रानीगंज का जो वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन है वो हो चुका है 45,00,000 का। जी हां दोस्तों, फिल्म दुनिया भर में अभी तक 45,00,000 रुपए कमा चुकी है और ज्यादा से ज्यादा फिल्म का कलेक्शन और 5,00,000 रुपए तक आ सकता है। यानी कि दोस्तों, अक्षय कुमार की फिल्म मिशन रानीगंज का फाइनल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन शायद 50,00,000 तक जाएगा। वही दोस्तों, अब अगर बात करें पैन इंडिया फिल्म टाइगर नागेश्वर राव के बारे में, जिस फिल्म में हमें देखने को मिले थे मास महाराजा, रवि तेजा, नूपुर सेनन, अनुपम खेर, लगभग 55,00,000 के बजट में बनी फिल्म टाइगर नागेश्वर राव एक तमिल मूवी है जिसे हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा टोटल 5 भाषाओं में रिलीज किया था। फिल्म का हिंदी मार्केट में जितना प्रमोशन किया था उतना कलेक्शन ये फिल्म हिंदी से नहीं कर पाई, लेकिन अच्छी बात यह है कि फिल्म को तेलुगु ऑडियंस की तरफ से डिसेंट रिस्पॉन्स मिला और फिल्म ने तेलुगु वर्सन में अच्छा खासा कलेक्शन किया है। हालांकि बात करें यहां पर टाइगर नागेश्वर राव के 2 दिनों के ऑल लैंग्वेज कलेक्शन के बारे में, तो सबसे पहले आपको बता देता हूं इस फिल्म के हिंदी कलेक्शन, उसके बाद जानेंगे फिल्म के 5 भाषाओं के कलेक्शन के बारे में। दोस्तों, टाइगर नागेश्वर राव ने अपने पहले दिन हिंदी से कलेक्शन 1,72,00,000 रुपए का किया था। वही दूसरे दिन यह फिल्म हिंदी वर्जन में थोड़ी ग्रोथ दिखा पाई और सेकंड डे हिंदी कलेक्शन यहां पर टाइगर नागेश्वर राव का लगभग 1,90,00,000 रुपए हो रहा है। इसी के साथ टाइगर नागेश्वर राव का 2 दिनों के अंदर हिंदी कलेक्शन 3,62,00,000 रुपए का हो चुका है। लेकिन दोस्तों, बात करें फिल्म के सभी भाषाओं के टोटल कलेक्शन के बारे में, तो टाइगर नागेश्वर राव ने अपने पहले दिन ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 5 भाषाओं से 11,50,00,000 रुपए का किया। लेकिन दोस्तों, दूसरे दिन इस फिल्म की ऑक्यूपेंसी में एक हल्का सा ड्रॉप देखने को मिला है और यहां पर टाइगर नागेश्वर राव अपने दूसरे दिन इंडिया नेट कलेक्शन 5 भाषाओं से 8,50,00,000 रुपए कमा रही है। इसी के साथ दोस्तों, रवि तेजा की फिल्म टाइगर नागेश्वर राव का 2 दिनों में इंडिया नेट कलेक्शन लगभग 20,00,000 का हो रहा है
तो इंडिया ग्रोस कलेक्शन 24 करोड़ रुपए। वही दोस्तों फिल्म ने ओवरसीज मार्केट यानी कि विदेशों से 6 करोड़ की रेंज में कलेक्शन किया है और इसी के साथ टाइगर नागेश्वर राव का 2 दिनों का वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन लगभग 30 करोड़ का हो रहा है। तो दोस्तों फिल्म का बजट जहां सिर्फ 55 करोड़ रुपए है, उस हिसाब से देखे जाए तो 2 दिनों में फिल्म का वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन 30 करोड़ रुपए एक तरह से डिसेंट कमाई है। जबकि कल है संडे, तो कल ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी कमाई कर सकती है। लेकिन दोस्तों अब अगर बात करें इस हफ्ते रिलीज हुई बॉलीवुड की वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म गणपत के बारे में, जिस फिल्म में हमें देखने को मिल रहे हैं बॉलीवुड के उभरते हुए एक्शन सुपरस्टार टाइगर श्रॉफ और उनके साथ नजर आ रही है कृति सेनन। इस फिल्म में एक दमदार रोल में श्री अमिताभ बच्चन साहब भी नजर आ रहे हैं। दोस्तों यहां पर गणपत फिल्म एक भारी भरकम बजट की फिल्म है और फिल्म भी काफी बढ़िया बनी है, जिसे लोगों ने पसंद भी किया है। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं गणपत फिल्म बहुत सारी फिल्मों के बीच में पिस गई, जिसकी वजह से इस फिल्म के कलेक्शन उतने बढ़िया नहीं आ पाए। सबसे पहले तो दोस्तों आपको यह बता दें कि गणपत भी पैन इंडिया रिलीज हुई है, यानी कि फिल्म को हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, साउथ लैंग्वेजेस में भी रिलीज किया है। लेकिन आप सब जानते हैं कि बॉलीवुड के फैंस तो साउथ की फिल्में देखते हैं, लेकिन भैया साउथ के फैंस बॉलीवुड की फिल्में काफ़ी कम देखते हैं, जिसके चलते ही गणपत फिल्म को जो ओपनिंग मिली है वो कहीं ना कहीं निराश करने वाली है। पर दोस्तों एक उम्मीद है कि फिल्म अच्छी है, लोगों को पसंद आ रही, तो ये मूवी लॉन्ग रन कर सकती है और फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन शायद इसका सरप्राइज कर जाएगा। लेकिन अभी बात करें गणपत के 2 दिनों के कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों यहां पर फिल्म गणपत ने अपने पहले दिन ऑल इंडिया नेट कलेक्शन सिर्फ 3 करोड़ 20 लाख रुपए का किया, जबकि हम सबको उम्मीदें 7-8 करोड़ की थी। जी हां दोस्तों फिल्म को ओपनिंग काफी कम मिली। बात करें दूसरे दिन के, तो दोस्तों यहां पर गणपत फिल्म को दूसरे दिन ऑक्यूपेंसी में एक डिसेंट सी ग्रोथ देखने को मिली है सैटरडे होने की वजह से, और गणपत अपने दूसरे दिन इंडिया नेट कलेक्शन 4 करोड़ 50 लाख रुपए कर रही है। और इसी के साथ गणपत का शुरुआती 2 दिनों में इंडिया नेट कलेक्शन हो रहा है 7 करोड़ 70 लाख रुपए, तो इंडिया ग्रोस कलेक्शन 9 करोड़ 16 लाख रुपए। बताना चाहूंगा दोस्तों फिल्म का 2 दिनों में ओवरसीज से ग्रोस कलेक्शन लगभग 3 करोड़ 50 लाख रुपए हो रहा है। इसी के साथ दोस्तों गणपत फिल्म का शुरुआती 2 दिनों के अंदर वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन हो रहा है 12 करोड़ 66 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों जितना हमने पहले दिन का कलेक्शन सोचा था उससे कम कलेक्शन फिल्म 2 दिनों में कर रही है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि कल है संडे तो इस फिल्म के कलेक्शन में एक बड़ा उछाल देखने को मिल जाए। लेकिन दोस्तों अब अगर बात करें थलापति विजय सर की फिल्म लियो के बारे में, तो भैया लियो ने तो बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से धमाका कर दिया। मतलब कि हिंदुस्तान के कोने कोने में इस वक्त लियो फिल्म को जितनी पब्लिक देखने जा रही है इतनी पब्लिक किसी और फिल्म के टिकट खिड़की पर नहीं दिखी। मतलब कि दोस्तों यहां पर लियो फिल्म तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, हिंदी 5 भाषाओं में धमाकेदार कलेक्शन करती जा रही है। हैरान करने वाली बात दोस्तों यह है कि यहां पर लियो फिल्म को हिंदी में प्रमोट नहीं किया गया था, उसके बावजूद भी लियो ने हिंदी मार्केट से भी ताबड़तोड़ कलेक्शन किए। हालांकि बात कर ली जाए यहां पर लोकेश कनगराज के डायरेक्शन में बनी लियो, जिस फिल्म में थलापति विजय संजय दत्त देखने को मिले थे, इसके 3 दिनों के कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूं इस फिल्म के हिंदी कलेक्शन, उसके बाद हम जानेंगे फिल्म के 5 भाषाओं के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। दोस्तों यहां पर लियो फिल्म ने रिलीज होते ही अपने पहले दिन हिंदी से कलेक्शन 2 करोड़ 80 लाख रुपए का किया था। वही दूसरे दिन फिल्म के स्क्रीन्स हिंदी मार्केट में थोड़ी कम हो चुकी थी, जिसके चलते दूसरे दिन लियो का हिंदी कलेक्शन सिर्फ 2 करोड़ 50 लाख रुपए का आया। बात करें आज यानी कि तीसरे दिन की, तो दोस्तों तीसरे दिन सैटरडे होने की वजह से लियो के हिंदी कलेक्शन में एक अच्छी खासी ग्रोथ आई है और लियो तीसरे दिन हिंदी मार्केट से लगभग 3 करोड़ 50 लाख रुपए कमा रही है। और इसी के साथ थलापति विजय की फिल्म लियो का 3 दिनों में हिंदी कलेक्शन नेट हो रहा है 8 करोड़ 80 लाख रुपए, वही ग्रोस लगभग 10 करोड़ रुपए। लेकिन दोस्तों आप बात करें लियो फिल्म के 5 भाषाओं के टोटल कलेक्शन के बारे में, तो सबसे पहले बात करते हैं इंडियन कलेक्शन की, फिर जानेंगे वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। तो दोस्तों यहां पर लियो फिल्म ने अपने पहले दिन ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 5 भाषाओं से 68 करोड़ का किया था। वही दूसरे दिन फिल्म के कलेक्शन में एक अच्छा खासा ड्रॉप आया, जो कि नॉर्मल है साउथ की फिल्मों के सेकंड डे की। तो यहां पर दूसरे दिन लियो का जो इंडिया नेट कलेक्शन है 5 भाषाओं से वो रहा लगभग 41 करोड़ रुपए। लेकिन दोस्तों अच्छी बात यह है कि तीसरे दिन सैटरडे हाफ हॉलीडे होने की वजह से लियो फिल्म ने फिर से बॉक्स ऑफिस पर जंप दिखा दिया है और फिल्म की जो तीसरे दिन की ऑक्यूपेंसी है वो दूसरे दिन के मुकाबले काफी ज्यादा बेहतर है। तो जो रिपोर्ट अभी तक आई है उसके मुताबिक लियो फिल्म अपने तीसरे दिन ऑल इंडिया नेट कलेक्शन लगभग 45 करोड़ का कर रही है।
है। और इसी के साथ दोस्तों लियो फिल्म का शुरुआती 3 दिनों के अंदर इंडिया नेट कलेक्शन 154 करोड़ 154 करोड़ का हो रहा है, तो इंडिया ग्रोस कलेक्शन 183 करोड़ यानी कि 183 करोड़ रुपए। अब बात करें फिल्म के ओवरसीज कलेक्शन यानी कि विदेशी कमाई के बारे में, तो दोस्तों लियो फिल्म ने अभी तक ओवरसीज मार्केट से टोटल ग्रोस कलेक्शन लगभग 127 करोड़ रुपए कर लिया है। और इसी के साथ थलापति विजय सर की फिल्म लियो का जो वर्ल्ड वाइड टोटल ग्रोस कलेक्शन है वो 3 दिनों में हो रहा है 310 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, लियो फिल्म 3 दिनों में 310 करोड़ की कमाई दुनिया भर से कर रही है। बताना चाहूंगा दोस्तों, फिल्म का बजट भी 300 करोड़ है और फिल्म बजट इतनी कमाई तो 3 दिनों में ही कर चुकी है, यानी कि यहां पर थलापति विजय की लियो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 5 दिनों में ही ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बनने वाली है। लेकिन दोस्तों देखना यह है कि लियो का जो फाइनल कलेक्शन है वो आखिर कहां तक जाता है। क्या यह फिल्म बॉलीवुड की पठान और जवान की तरह 1000 करोड़ का फाइनल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर पाती है या नहीं? वैसे आपको क्या लगता है, लियो फिल्म का फाइनल कलेक्शन कितना रहेगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और आप क्या अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपने माता पिता का। जय हिंद, वंदे मातरम।